सोर्ट ऑफ चैलेंज की वीडियो हो गया, मैं उसकी गैल गैल आप लोग गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग तो अपलोड हो गया ना देवा था, जो आज मतलब आया है, जो कल मैंने बनाया था, लेकिन फिलहाल भाई उसने अपलोड करके और सुबह सुबह उठ के, हाँ शायद 10 बजे आ लिया होगा, 10 ना 10:30 आ लिया होगा वो। तो भाई सुबह सुबह उठ कर इसने बाहर घुमा ले आया, फिलहाल जो खेलने लग रहा है और अपनी बन गई है भाई इडली सांभर, इडली सांभर खाने लग रहे हैं सुबह सुबह। उसके बाद दोपहर को आपको मैं दिखाऊंगा अपने पूरा दिन का। टूट गया ये तोड़ दिया भाई इसने। किसने तोड़ा? नन्नू। किसने तोड़ा? वन्नू। तो एक बार भाई इडली सांभर खा लेते हैं, उसके बाद दिन में देखते हैं क्या प्लान है। कल तो यार बहुत कुछ हो था कि शाम को आपको अपलोड का भी दिखाना था, वो भी करना था, लेकिन फिर शाम को मैं कहीं पे चला गया दोस्तों के साथ, तो फिर वो दिखा नहीं पाया। लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दिखाऊं वो प्लॉट का अपना। और आज मैं जिम में भी जाऊंगा शाम को, सुबह जाना था मेरे को लेकिन कल रात को यार सोने में थोड़ा लेट हो गया था। हाँ बेटा ये दिखा रहा है, क्या करूं इसका, ये रखू ले ब्लू। ये तो भाई ना खाने दे, ना वीडियो बनाने दे, कुछ नहीं करने दे। पर अरे रुक जा भाई, क्या करूं इसका, इसका यहाँ पे रख दूं, ले रख दिया, अब रख दे ऊपर ब्लू, और कहाँ है पिंक, ये सबसे नीचे आएगा बेटा। हाँ अब तोड़ दिया इसलिए, ये काम ला गया था पिंक, ये फिर तोड़ेगा इसने। ये तो इस समय ला गया था होगा भाई। मैं अपना इडली सांभर खा के आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ने लिखने का देखेंगे, उसके बाद दो पैर देखेंगे बस। जो जीना देता भाई, यो तो जीना दे भाई बस बस। अरे बस भाई बस सैबी बस, मैं आ गया हूँ घर पे, और यो तो भाई जीन नहीं देता। मैसेज आ गया किसी का, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया। तो भाई मैं आ गया हूँ घर पर, दोस्त तो जा रहा था और मौसम हो रहा है बढ़िया, और घर पर आ गया हूँ। घर पे क्या चल रहा है, मम्मी तो अपना सूट सिम में है, हाँ जो भी है मेरे बेबे और भाई वन्नी वरदान वन्नी, ये लाग रहे सोन आ चेहरे पे ग्लो, ये लाग रहे सोन। और बिग बॉस देखते देखते एलविश यादव से स्टैम। तो भाई फिलहाल मैं अपने व्लॉग चैनल के जो मतलब मैंने व्लॉग डाला था ना आज, जो व्लॉग आया था उस पर कमेंट पढ़ रहा था। तो एक तो भाई जो चैलेंज था वो गेस किया, हालांकि वो कमेंट किसी नॉन का ही था जिसको उस चैलेंज के बारे में पता था। तो वो चैलेंज था भाई कि जो एक आप लोगों ने सुना होगा 75 हार्ड करके नाम है, एक चैलेंज है। उसमें क्या होता है कि 75 डेज तक लगातार एक रूटीन फॉलो करना होता है, सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, जिम जाना, मतलब वर्कआउट करना और भाई हेल्दी खाना ये सब। तो वो चैलेंज भाई मेरी बहन ने मेरे को दिया था, वो मैंने एक्सेप्ट किया। तो 75 डेज तक का है, डेली मैं व्लॉग करके बताऊंगा आपको उस चैलेंज के बारे में। तो वो चैलेंज था। और दूसरा भाई मैंने कमेंट पढ़ा था यार, पता नहीं किसका था, उस कमेंट में उन्होंने पूछा था कि आपकी जो रिंग है इस रिंग का मतलब यूनिक सी है, क्या है इस रिंग का। तो भाई ये जो रिंग है इसका सिस्टम अलग है, ये ऐसी है, इसमें है नवरत्न रिंग कहते हैं इसको, और ये दिलवा रखी है मम्मी ने मेरे को किसी मतलब ऐसे ही खुद बनवाई थी। और इसका जो फ़ायदा है वो घर वालों की तरफ से ये है कि मैं सुधर जाऊँगा, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, या मैं सुधर जाऊँगा, घर वालों की बात मानूंगा। देखते हैं भाई, मेरे को तो उसका कोई असर दिख नहीं रहा, बाकी हो तो पता नहीं, बाकी उसके बारे में मम्मी बताएंगी आपको थोड़ा, क्योंकि मेरे को इस रिंग के बारे में एग्जैक्टली क्या है, मेरे को बस इतना ही पता है कि ये दिलवाई मेरे को, और मेन रीज़न ये दिलवाने का ये था कि मेरे को गुस्सा ना आए या उस तरीके से मैं घर वालों की बात मानूँ। अम्मी किसी का कमेंट आया कि यह जो मैं रिंग पहनू हूँ यह यूनिक है, क्यों पैदा करूँ मैं, इसका क्या फायदा है? यूनिक नहीं बेटा, इसमें नवग्रह के रत्न है सारे। अच्छा तो नवग्रहों की शांति के लिए होती
है? नौ ग्रहों की शांति के लिए होती है। तो मेरा कौन मतलब मेरे सारे ग्रह खराब है, इतना खराब हूँ मैं? खराब है उसका ठीक हो। मतलब ऐसा समझ गया, मतलब घरवाला की तरफ से मेरे सारे जितने भी ग्रह हुए हैं सारे खराब है मेरे। तो फिलहाल भाई आज का दिन तो बढ़िया गया, सुबह मैंने इडली और वो खाया था, अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, अभी थोड़ा हल्का फुल्का खाऊंगा, उसके बाद शाम को जाऊंगा जिम में। एक दोस्त है मेरा अमन राठी, उसके साथ आपने पहले वाले व्लॉग्स में भी देखा होगा एक दो बार, उसके साथ जिम में जाऊंगा और ये वाला रूटीन डेली फॉलो करूंगा मैं, ठीक है? तो इस रूटीन भाई आप मेरे साथ देना, मोटिवेट करना। अच्छा एक और चीज़ मेरी बात सुनो, मैंने फॉलो करा, जब मैं फॉलो करूँ तो बढ़िया, अगर फॉलो करूँ नहीं करता दो चार दिन बढ़िया तो भाई मतलब वो तो चीज है यार, मैं मतलब रेगुलर नहीं हो पाता मैं, क्योंकि भाई बहुत सारे काम आ जाए, कभी कुछ कब जी ना करता, कब दोस्त आ गए साथ की तक घूमने चला गया इधर उधर ये वो उस वजह से। पर बाकी की बार सोच रखा है प्रॉपर रेगुलर उसमें मैं करूँगा जितने दिन तक भी हो पा, बाकी अपनी कोशिश तो भाई 75 हार्ड है तो 75 डेज लगातार करना ही है, बाकी जब तक भाई आप लोग मोटिवेट करते रहना। अगर किसी दिन मान लो मैं जिम में ना जाऊँ या नहीं करूँ वर्कआउट या उसको डाइट को फॉलो ना करूँ या वो जो भी, तो तब आप मेरे को मोटिवेट करना और भाई इसके बारे में कमेंट करके बताना कि तुम्हारे भाई का व्लॉग आया था कल, आप लोगों ने देख लिया होगा, और अब मैं दोबारा डेली व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ, तो उसके लिए भाई मोटिवेट करते रहना यार अपने भाई को, कमेंट सेक्शन में लाइक करके कमेंट करके सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार अपने भाई के, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और आप मेरी प्यारी प्यारी बातें सुन पाओ लगातार ऐसे डेली के डेली। बस यही चाहिए और क्या ही चाहिए तुम्हारे भाई को। क्या बोल रहा है? कौन है? मन्नु। कहाँ पे है मन्नु? ये ना कहाँ जा रही है बनी? हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ चलेगा? अच्छा मैं तो था अपना 75 हार्ड पे चालू, लेकिन मेरी बहन और घर वाले बोल रहे हैं कि हमारा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, दही बल्ले खाने का मन कर रहा है, तो मैं जा रहा हूँ मार्केट इनके लिए, हालांकि वो नहीं लेके आएंगे, मैं थोड़ी खाऊंगा, ये क्या लग गया, मैं नहीं खाऊंगा भाई, देख लेना आप लोग, मैं व्लॉग में दिखा दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ मार्केट में, वो जो रेडीमेड आते हैं ना, बस घर पे लाके बना लो घर का पानी सब कुछ, वो उस हिसाब से लेने जा रहा हूँ, मार्केट से लेके आऊँगा गोलगप्पे और एक दो सामान लेके आना मार्केट से, वो यो व्लॉग ना करने दे भाई। अरे बस अच्छा जा रहा आराम से आराम से, तो एक बार वो सामान ले आते हैं, इनका थोड़ा पेट भर दे, उसके बाद जाएंगे जिम, क्योंकि आज जिम का प्रोग्राम, और मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, ये चीज हिंदू गर्व से हिंदू, इसके लिए और कोई और का मैं तो पाया नहीं, दिखाया मन्नी ट्रैक्टर लेकर आया मैं, इसका तो माइजल खेल लिया काट का है पीछे, इसके ट्रॉली मैं ट्रैक्टर देकर आज जी हुआ है, मैं खेल लेगा, और भाई सारा सामान लिया आया था, तैयार हो गए अपने, ये गोलगप्पे, ये गोलगप्पे पानी, ये दही बल्ले, दही खटाई, सारा सौदा तैयार हो गया है बिल्कुल, क्योंकि अभी होया 4:30 का टाइम, मैं एक बार दोबारा दोस्त आ फोन आ गया उनके पास जाना है काम है, उसके बाद मैं जाऊंगा भाई सीधा जिम में, 6 बजे का अपना टाइम है, 6-7 एक घंटा जिम करांगे, उसके बाद 1 घंटा भाई बाहर मार्केट में घूम लेंगे या इधर उधर थोड़ा देख लेंगे, टाइम अपना घर पर आने का 8-8:30 बजे कर पाऊंगा मैं, उस तक लेट कभी कभी हो जाता है, बाकी डेली नहीं, डेली का टाइम है 8-8:30 बजे घर पर, तो एक बार भाई थोड़ा इनका खिला पिला देख लेता है, क्योंकि सर्व तो मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो खा नहीं रहा हूँ, तो इनको सर्व कर देता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा भाई आपसे मिलता हूँ जिम में। हेलो पसीने दिख रहे हैं, देखो पसीने दिख रहे हैं पूरी बॉडी में, जिम में भाई आधी तो हो चुकी है कार्डियो वार्डियो, अब थोड़ा वेट का या और पेट वेट का देखेंगे, वेट लॉस करने के लिए सांस चढ़ गए, काफ़ी दिनों बाद जिम में आया ना मैं, इसलिए फिलहाल कर रहे हैं भाई पूरी जिम खाली पड़ी है, एक भाई और ये लग रहा है, बाकी मैं लग रहा हूँ, हम दोनों आ रखे हैं, गाने अभी बंद कर दिए,
कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए आधी जिम हो गई है, आधी और कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे भाई घर के लिए। हालत खराब, बुरा हाल है, गर्मी वैसे है और ऊपर से पसीने, एक्सरसाइज, बाहर भी बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, उस वजह से इतना थोड़ा एग्जॉशन हो रहा है। कोई ना, सही है। अपनी एक्सरसाइज हो गई है भाई कंप्लीट, डेढ़ घंटा हो गया आया ना, डेढ़ घंटे तक हमने करी एक्सरसाइज। यो भाई है यो लग रहा भाई ने, यो को वह है, मैं करूँगा 45 तक एक एक्सरसाइज आ रही है, बाकी हम दो यहाँ मेरी होगी, उसके बाद देखा मैं घर पर जावांगे। पसीने, गर्मी, किच 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 बुरा हाल हो रहा है। सीधा घर पर जाऊँगा, नहाऊँगा, उसके बाद सुबह खाया था इडली, दोपहर में खाया था 3 रोटी और वो सांभर बच रहा था, उसके बाद कुछ नहीं खाया, थोड़े फ्रूट्स खाए थे, वनस्पति वगैरह। मतलब मैं आप लोगों ने इस चैलेंज में अपनी डाइट के बारे में ही बताऊँगी कि भाई इस चैलेंज में मैं अपनी डाइट के करूँगी, तो सॉर्ट ऑफ चैलेंज की, मेरे बेबे का फ़ोन आएगा, सॉर्ट ऑफ चैलेंज की वीडियो हो गया, मैं उसकी गैल गैल आप लोगों ने अपनी डाइट के बारे में ही बताऊँगी। तो सुबह खाई थी 4-5 इडली थी, सांभर था, दोपहर ने 3 रोटी सांभर, उसके बाद थोड़े से फ्रूट, शाम ने आने था आधा घंटा 1 घंटा पहले खाए थे 4 बजे के करीब, 5 बजे आ गया था मैं, उसके बाद अब जाऊंगा नहाऊंगा, उसके बाद मैं खा लूँगा 8 बजे से पहले खाना खा लूँगा, और सोने जाने से पहले भाई एक ग्रीन टी, यो मेरी डाइट होगी। डेली थोड़ा बहुत इसमें चेंज होता रहूँगा, बाकी ऑलमोस्ट लगभग यह डाइट रहूँगी मेरी। तो यह अपनी डाइट है, यो अपना चैलेंज भाई जो एक्सेप्ट कर रहा था, देखो कितने दिन चल लगा, बाकी तुमने तो बेरा थोड़े भाई का एक बार बढ़ जाया करा तो करा लग गए, जो करियो आज करा बढ़िया, पसीने बढ़िया, मेहनत, पर रेगुलरिटी देखनी पड़ेगी कितने दिन चलेगी, क्योंकि उससे हमें दिक्कत आवा है। तो इसकी वह कोशिश करांगे भाई, आप लोगों का सपोर्ट हो जाने गल तो इसकी बढ़िया कोशिश करांगे, पूरा इसमें पूरा करांगे, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो कृपा आ गया हूँ भाई जिम में तो, और पूरा मम्मी तरफ पूछो कितना आज, मतलब पूरा पसीना माया था, पर चलो वो चीज़ तो ठीक है। वरदान भाई अपने ट्रैक्टर के खेलने लग रहा है, और मैं आप तो अपनी डाइट के बारे में बताऊं था ना, मैंने भाई एक तो खा लिया दही बल्ले का पीस, एक या डेढ़ खाया था बस, ज़्यादा ना खाया, और 2-4 पीस खा लिए गोलगप्पे के, वो मतलब घर के थे इतने, मतलब ज़्यादा वो भी ना, दही बल्ले भी घर पर बनाए थे, मतलब दही बाहर तो लेकर आया था, बाकी बल्ले भी घर पर थे, सारा उनका मसाला वो भी घर का था, मतलब उतना अनहेल्दी नहीं था वो। और भाई गोलगप्पे भी बाहर, गोलगप्पे बस वो तले और थोड़े थे वे 4-5, बाकी पानी भी घर का बनाया और हेल्दी, और सारी चीज़ मतलब हेल्दी थी, इतना अनहेल्दी नहीं था जितना बाहर का होता है नॉर्मली। तो अभी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई मतलब ये खा लिया तो अब खाना नहीं खाऊँगा, बाकी देखता हूँ अगर रात को 10-11 बजे अगर भूख लग जाती है एक्सट्रीम तो मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लूँगा, मतलब हल्का फुल्का में जैसे कि खिचड़ी बना रखी है मम्मी ने वैसे भी, या तो खिचड़ी खा लूँगा या फिर 2 ब्राउन ब्रेड रखे हैं, ब्राउन ब्रेड दूध के साथ वो ले लूँगा, बस इतना ही। ये भाई मैंने आपको अपनी डाइट का बताया है, ये मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग भी भाई पूरा सपोर्ट करना। क्या करूँ, बांधूँ, कहाँ बांधूँ, ट्रैक्टर पर बांधूँ, कैसे बांधूँ, बांध के दिखा कैसे बांधूँ, कैसे, ये कौन है, क्या करूं, बांधूं, कैसे बांधूं, ट्रैक्टर पे बांधूं। एक भाई कहते हो चलता ही रहोगा, मेरी बहन का एक्चुअली वो भी साल चालू हो जाएगा ना, तो इसका जिम्मा ही 1-2 घंटे तक मेरे ऊपर आ गया, मैं ये सुलाऊंगा इसने, मैं मतलब माई घर में अरे मामा तो मामा का आ गया, नानी ना नाना ना उतना मतलब यो फैमिलियर नहीं है उनसे जितना मेरे से है, इसलिए हाँ तो मतलब मेरे से थोड़ा ज्यादा है, मेरे को थोड़ा ज्यादा मानता है मेरा बेटा, जब किसी कर दे मामा को आए मेरा बेटा, तो इसको सुला दूंगा भाई। और फिलहाल इस व्लॉग को कर देता हूँ यहाँ पे एंड, बढ़िया लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, चैनल पे करने हो तो, और भाई बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए और तो क्या क्या ही चाहिए तुम्हारे भाई को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय कर दे, बाय करियो बनी, बाय।